हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग दो की पुस्तक का पेज नंबर 17 का लेसन नंबर 3 खोल लीजिए, जिसका नाम है मैं हूँ आम रसीला। बेटा, पिछली कक्षा में आपने इस लेसन का सार सुना था और समझा था और इसके डिफिकल्ट मीनिंग डिस्कस किए थे। आज हम उससे आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। तो आ जाइए मेरे साथ पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 20 पर हमारी पहली एक्सरसाइज है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान मींस वर्ड मीनिंग। बेटा, हमने क्या करना है, ये जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों के पहले हम अर्थ लिखेंगे, उसके बाद इनके वाक्य यानी कि सेंटेंस बनाएंगे। हमारा पहला शब्द है रसीला। रसीला का मीनिंग यानी कि अर्थ रस से भरा। इंग्लिश मीनिंग ज्यूसी, JUICY, ज्यूसी। इसका वाक्य यानी सेंटेंस बनाएंगे, संतरा रसीला है। इसका एक और वाक्य भी बना सकते हैं, आम रसीला है। बेटा जी, आप इसके अन्य कई वाक्य बना सकते हैं। दूसरा शब्द ऋतु, री ऋषि तक छोटी ऋतु। ऋतु का अर्थ मौसम, मौसम यानी कि सीजन। बेटा, जो हमारे सीजन्स होते हैं, विंटर समर रेनी सीजन, ठीक है बेटा। अब इसका वाक्य बनाएंगे, बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, यानी कि स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स खिलते हैं। बेटा, पहले दो शब्द हमने डिस्कस करके उनके मीनिंग डिस्कस करके उनके वाक्य बनाए हैं। उससे आगे के जो शब्द हैं वो आप अपने मम्मी पापा की हेल्प से पहले आप इन शब्दों के मीनिंग लिखेंगे, फिर उनके वाक्य यानी सेंटेंस बनाएंगे। एक बार आपके साथ इन शब्दों को डिस्कस जरूर करूंगी। हमारा पहला शब्द था रसीला, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा था ऋतु, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा है महक। महक मीन खुशबू, गुड स्मेल, जिसको स्वीट स्मेल बोलते हैं। इसका वाक्य बनाएंगे, गुलाब की महक बहुत अच्छी है, यानी गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वर्ड आम पन्ना। आम पन्ना का मीनिंग क्या है, भुने कच्चे आम का रस, यानी भुने हुए कच्चे आम का जूस। इसका इंग्लिश मीनिंग कुक्ड अनराइप्ड मैंगो। इसका वाक्य बनाएंगे, माता जी ने मेरे लिए आम पन्ना बनाया। अगले वर्ड पर चलते हैं, लू। लू मीन्स गर्म हवा, वार्म एयर करंट्स। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे, जून जुलाई के महीने में लू चलती है। अगला वर्ड अमचूर। अमचूर मीन्स आम का पाउडर, इंग्लिश मीनिंग ड्राइड मैंगो पाउडर। इसका वाक्य बनाएंगे, अमचूर का स्वाद खट्टा होता है, यानी कि जो अमचूर होता है उसका टेस्ट खट्टा होता है, सार होता है। अगला वर्ड मैंगो शेक। इसका अर्थ दूध में आम मिलाकर बना शरबत, इंग्लिश मीनिंग मैंगो ब्लेंडेड विद मिल्क। इसका वाक्य बनाएंगे, माता जी ने मैंगो शेक बनाया। अगला वर्ड अमृत फल। अ मके पैर मेरी त अमृत फल। अमृत फल का अर्थ बेहद गुणकारी फल, इंग्लिश मीनिंग मोस्ट बेनिफिशियल फ्रूट। इसका वाक्य बनाएंगे, आंवला अमृत फल है। विशेषता का वाक्य बनाएंगे, विशेषता का मीनिंग खूबी, खूबी मीन्स क्वालिटी। विशेषता का वाक्य बनाएंगे, कोयल की मीठी आवाज उसकी विशेषता है। अगला वर्ड कलश। कलश मीन घड़ा, इंग्लिश मीनिंग पॉट। कलश में पानी भरा है, या एक और वाक्य बना सकते हैं, कलश टूट गया। अगला वर्ड राहगीर। राहगीर कौन होते हैं, पैदल सफर करने वाला, इंग्लिश मीनिंग पासर बाय। राहगीर का वाक्य बनाएंगे, राहगीर थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया। चलिए नेक्स्ट अभ्यास पर चलते हैं, पाठ ज्ञान यानी कि कंप्रिहेंशन। इसमें पहली एक्सरसाइज है मौखिक, मौखिक क्वेश्चंस। मौखिक का मीन्स ओरल।
पहला क्वेश्चन, आपके घर में आम की पत्तियों और लकड़ियों का क्या प्रयोग होता है, क्या यूज होता है? इसका आंसर लिखेंगे पूजा और हवन में। बेटा मैंने यहां पर वन वर्ड आंसर लिखा है, पर आप इसका आंसर पूरी लाइन में लिखेंगे, और पूरी लाइन क्या होगी, हमारे घर में आम की पत्तियों और लकड़ियों का प्रयोग पूजा और हवन में होता है। हमारा पूरा आंसर क्या होगा, हमारे घर में आम की पत्तियों और लकड़ियों का प्रयोग पूजा और हवन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न, कौन सी ऋतु में आम के फूलों की महक आती है, कौन से सीजन में कि आम के फूलों की फ्रेग्रेंस यानी खुशबू आती है? तो हमारा आंसर है गर्मियों में, या ये भी कह सकते हैं वसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में। बेटा यहां पर मैंने वन वर्ड आंसर लिखा है, पर आप पूरी लाइन में इसका आंसर लिखोगे, आप क्या लिखोगे, गर्मियों की ऋतु में आम के फूलों की महक आती है, या आप ये भी लिख सकते हैं वसंत ऋतु में आम के फूलों की महक आती है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, आम को ही फलों का राजा क्यों कहते हैं? इसका आंसर है इसके स्वाद के कारण। बेटा मैंने यहां पर वन वर्ड आंसर लिखा है, आप इसका आंसर पूरी लाइन में दोगे, आपका आंसर पूरी लाइन में क्या होगा, इसके स्वाद के कारण ही आम को फलों का राजा कहते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं आम के स्वाद के कारण ही इसे फलों का राजा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्या है लिखित यानी कि रिटन, उत्तर लिखिए, राइट आंसर्स। पहला क्वेश्चन, आम कौन से ऋतु का फल है, कौन से सीजन का फ्रूट है? आंसर लिखेंगे आम गर्मियों का फल है, यानी समर सीजन में आम मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आम किन किन नामों से जाना जाता है, यानी कि आम के टाइप्स कौन कौन से, कौन कौन से नाम है? और आंसर है आम, लंगड़ा, दशहरी, सिंदूरी, तोतापरी, फजरी, चौसा, अल्फांसो आदि नामों से जाना जाता है। बेटा ये सभी आम के टाइप्स हैं, अलग अलग तरह के आम के टाइप्स हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड प्रश्न, कच्चे आम से क्या क्या बनता है? हम लिखेंगे कच्चे आम से अचार, चटनी, अमचूर आदि चीजें स्वाद पूर्वक खाया व बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरने हैं हमें। बेटा हमें ऑप्शंस भी दी गई हैं, इनमें से हमने सही आंसर चूज करके फिलअप में खाली स्थान में भरना है। हमारा पहला खाली स्थान है आम इतना डैश जो है, क्या है, रसीला या लचकदार? आम कैसा है, आम रसीला है ना, तो आप सही ऑप्शन को खाली स्थान में भरेंगे। चलिए दूसरी लाइन पे चलते हैं, डैश में मेरे फूलों की महक से हर कोई पगला ही जाता है, शरद ऋतु यानी कि विंटर सीजन या वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन? बेटा आपने ये वाला लेसन पढ़ा है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि किस ऋतु में फूलों से महक आती है, ये बेटा हमने मौखिक क्वेश्चन में भी अभी पढ़ा था, तो सही आंसर को यहां पर फिल कीजिए। अगली फिलअप है, आम को फलों का डैश भी कहा जाता है, बौद्धिक या राजा? सही आंसर फिल कीजिए। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए, निशान लगाइए। हमारा पहली लाइन है, तोते कच्चे आम पसंद करते हैं। बेटा आपने लेसन में पढ़ा है कि तोते कच्चे आमों को पसंद करते हैं, इसलिए ये सही है, तो यहां पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, सही का। दूसरी लाइन, पाठ में आम अपने बारे में बता रहा है। बेटा ये जो लेसन है वो आत्मकथा के रूप में है, यानी कि आम इस लेसन में अपने बारे में बता रहा है, तो ये लाइन सही है, यहां पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, सही का। अगली लाइन, आम की लकड़ी मजबूत होती है, क्या आम की लकड़ी मजबूत होती है, आपने लेसन में पढ़ा होगा आम की लकड़ी कमजोर होती है, इसलिए ये गलत है, यहां पर गलत का चिन्ह लगाएंगे यानी निशान लगाएंगे। चलिए अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं, भाषा ज्ञान यानी कि ग्रामर व्याकरण, नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार बिंदी लगाइए। बेटा यहां पर हमारे पास वर्ड है रग,
उन्होंने बोला कि यहाँ पर शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार यानी कि बिंदी लगानी। बेटा अनुस्वार यानी बिंदी क्या होती है, जिन शब्दों के ऊपर हम अंग की बिंदी लगाते हैं उसकी आवाज अंग में निकलती है उन्हें कहते हैं अनुस्वार। ये देखिए यहां पर वर्ड है रग, रग को अगर मैं रंग कह दूं, रंग, अब देखो आप अंग की आवाज किसके बाद आ रही है, र के बाद, तो बिंदी किसके ऊपर लगेगी, अनुस्वार किसके ऊपर लगेगा, र के ऊपर, र के ऊपर बिंदी रंग और ग रंग। अगला हजारों, हजारों में देखो हमने लिखना है हजारों, देखिए ह जकुआर रको छोटी ओ अंग पीछे अनुस्वार, देखो ओ अंग की आवाज कब आ रही है, र के ओ की मात्रा के बाद, तो हमने बिंदी कहां अनुस्वार कहां लगाया, रको छोटी ओ के ऊपर। आगे आ गया पसद, पसद नहीं होता पसंद, अब देखिए अंग की आवाज कब आ रही है, स के बाद आ रही है ना, पसंद संग, अब हमने और स के बाद साउंड आ रहा है अंग का, तो हम बिंदी किसके ऊपर लगाएंगे, स के ऊपर, यानी कि प स के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी और द पसंद। फूलो, फूलो नहीं फूलों, फको बड़ी ऊ लको छोटी ओ और अंग फूलों। मैगो, बेटा मैगो होता है, नहीं सही शब्द होता है मैंगो, अब देखो अंग का साउंड कब आ रहा है, ए के बाद आ रहा है ना मैंगो, म के बाद आ रहा है, तो हमने म को ए के बाद क्या लगाया, अंग यानी कि अनुस्वार यानी कि बिंदी, तो म के ऊपर ए ऊपर बिंदी ग को छोटी ओ मैंगो। वसत, वसंत, अब देखिए अंग की आवाज कब आ रही है, स के बाद आ रही है ना वसंग संग, तो हमने स के ऊपर बिंदी लगाई व संत वसंत। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन बेटा क्या होता है, नंबर्स वन टू मैनी, हमें यहां पर वन दिए गए हैं हमने मैनी में चेंज करने हैं। हमारा पहला शब्द है पत्नी, प आधा त नको बड़ी ई पत्नी, बेटा पत्नी यहां एक है, पत्नी का हमने मैनी बनाया पत्नियां और मैनी पत्नियां, यानी पत्नियां क्या है मैनी। बेटा आप यहां पर देखो जब हमने वन में लिखा हुआ है तो यहां पर न को बड़ी ई है, पर जब हम इसको मैनी में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, अब देख छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, तो बेटा आप देख रहे हो प तक छोटी ई न यकुआ ऊपर चांद बिंदु पत्नियां, बेटा पत्नियां यहां पर ई की आवाज कहां पे आ रही है, न के साथ पत्नियां निया, ठीक है, पर वाज हमारी ई की न पे आ रही है, पर हम जो छोटी की मात्रा है वो आधे त पर लगाएंगे, प आधे तक छोटी ई न यकुआ ऊपर चांद बिंदु पत्नियां। अगला शब्द है लकड़ी, लकड़ी का लकड़ियां, यहां पर देखिए बड़ी ई है वन में, पर जब हमने मैनी में चेंज किया तो इसको छोटी ई लगा दी, छोटी ई यकुआ ऊपर चांद बिंदु लकड़ी का लकड़ियां, लकड़ी वन लकड़ियां मैनी। डाली, डाली का डालियां, यहां पे बड़ी ई है देखो वन में, जब हमने मैनी में चेंज किया तो छोटी ई यकुआ चांद बिंदु। सब्जी, स आधा ब जको बड़ी ई सब्जी, सब्जियां, बेटा यहां पे ई का साउंड किस पे आ रहा है, ज पे, पर हमने मात्रा किस पे डाली है, आधे ब पे, स आधे ब को छोटी ई ज यकुआ ऊपर चांद बिंदु सब्जी का सब्जियां। चलिए अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी ऑपोजिट, बेटा यहां पर हमें शब्द दिए गए हैं उनके उल्टे मीनिंग इधर वाली साइड है, हमने उनसे मैच करना है। हमारा पहला वर्ड है रसीला, कच्चा छोटा गर्मी, इधर हमारे पास शब्द है बड़ा सर्दी बिना रस का पका हुआ। चलिए पहले शब्द पर आते हैं, पहला शब्द है रसीला यानी कि रस से भरा हुआ, तो इसका उल्टा शब्द क्या होगा, बिना रस का, तो रसीला का बिना रस का उल्टा शब्द यहां पर नंबर वन लिखिए। दूसरा शब्द है कच्चा, कच्चा का उल्टा शब्द क्या होगा, पका हुआ, यहां पर लिखिए नंबर टू। उसके बाद नेक्स्ट शब्द है छोटा, छोटा का उल्टा शब्द यानी कि ऑपोजिट क्या होगा, छोटा का बड़ा, नंबर थ्री। गर्मी का सर्दी। चलिए अब आते हैं श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल, श्रवण का मीनिंग होता है लिसनिंग,
यहाँ पर हेडिंग है, बच्चों आपके अध्यापक अध्यापिका आपको ये पाठ पढ़ाएंगे, आपको ध्यान पूर्वक सुनकर इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। बेटा आपने क्या करना है, ये जो वर्ड दिए गए हैं इन वर्ड्स को आपने वाक्य में प्रयोग करना है, इसका सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला मैंने आपके लिए बनाया है रंग, र के ऊपर अंग यानी बिंदी और ग रंग यानी कि कलर, इसका मैंने वाक्य बनाया, सेंटेंस बनाया, मेरी कमीज का रंग लाल है। आप इसका कोई और भी वाक्य यानी कि सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कोयल का रंग काला है या कोयल काले रंग की होती है। आपका अगला शब्द है राजा, मौसम, कच्ची, घोंसले। बेटा ये शब्द आप अपने मम्मी पापा की हेल्प से खुद अपनी कॉपी पे लिखेंगे, इनके वाक्य आप खुद बनाएंगे। तो बेटा अब आपने लेसन नंबर 3 मैं हूं आम रसीला की इन सभी एक्सरसाइजेज को अच्छी तरह रिवाइज करना है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।